के बारे में कुछ बताओ। अरे जरूर जरूर, बहुत जबरदस्त ऑफर चालू है। हाँ। बोला ये आपको किट में दे देता हूँ 25,000 में। कितना? 25,000 में नया फ्रेश किट। हाँ, नया गाड़ी में सीएनजी इंस्टॉल करना चाहते हो, अल्टो रहे, कौन से भी गाड़ी के लिए ये ऑफर वैलिड है ना सर? जी सर, जी सर, अभी तक मतलब कंपनी के पास जो जो गाड़ियों के लिए अप्रूवल है, अप्रूवल है। ये देखिए चेसी का जो है, जो ब्रैकेट है वो सीधा चेसी के ऊपर माउंट हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट। इसका एडवांटेज ये रहता है कि गाड़ी, ये गाड़ी थोड़ा एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ फिर से लोगों को कि चेसी ब्रैकेट माउंटिंग नहीं रहेगा तो क्या दिक्कत आ सकती है ना। आपको लाइव एग्जांपल हम बताते हैं यहाँ पे, और एक गाड़ी लकीली यहाँ पे खड़ी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ये देखिए ये गाड़ी का है ना, अभी आप थोड़ा पीछे से देखेंगे तो एक साइड में टैंक झुका हुआ दिखेगा आपको। अभी इसके अंदर जो मैं आया हूँ पाटिल सीएनजी, यहाँ पे अल्टो है 800 cc वाली, यहाँ पे आफ्टर मार्केट सीएनजी किट इंस्टॉल हुआ है। ये पीछे आप बाटला देख सकते हो इंस्टॉलेशन का यहाँ पे, और मेरे साथ है संतोष जी। संतोष जी हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे आप? ठीक हो एकदम। तो संतोष जी ये गाड़ी के बारे में बताओ, कौन सा बाटला है, कौन सा सीएनजी किट आपने बिठाया है? हाँ। और कुछ ऑफर चालू है उसके बारे में कुछ बताओ। अरे जरूर जरूर, बहुत जबरदस्त ऑफर चालू है सर अभी। हाँ हाँ। अभी ये गाड़ी में हम लोग ने जो फिटिंग किया है ना, ये अल्टो मतलब छोटा गाड़ी है ये। हाँ। अल्टो 2011 का मॉडल है ये। हाँ हाँ। और इसके अंदर हम लोग ने 12 kg सिलेंडर लगाया है। Okay. 12 kg का जो अपना OEMs में भी जो ज्यादा करके आता है वही सेम साइज का सिलेंडर है। Okay. और इसके अंदर आपको 8.5 kg एक्चुअल गैस बैठती है इसके अंदर। Okay. तो ये गाड़ी में हम लोग ने जो काम किया है, इसके अंदर भी अपना जो दुकान का जो एक सिग्नेचर है। uh-huh. जो हम लोग कर रहे हैं, इसके अंदर हम लोग ने चेसी माउंटिंग ब्रैकेट दिया है, आप दिखा सकते हो लोगों को। uh-huh. ये देखिए चेसी का जो है, जो ब्रैकेट है वो सीधा चेसी के ऊपर माउंट हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट। इसका एडवांटेज ये रहता है कि गाड़ी, ये गाड़ी थोड़ा एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ फिर से लोगों को कि चेसी ब्रैकेट माउंटिंग नहीं रहेगा तो क्या दिक्कत आ सकती है ना। आपको लाइव एग्जांपल हम बताते हैं यहाँ पे, और एक गाड़ी लकीली यहाँ पे खड़ी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ये देखिए ये गाड़ी का है ना, अभी आप थोड़ा पीछे से देखेंगे तो एक साइड में टैंक झुका हुआ दिखेगा आपको। अभी इसके अंदर जो ब्रैकेट यूज किया है, ये पत्रे के ऊपर माउंट किया, मतलब ये चेसी के ऊपर नहीं, ये बॉडी के ऊपर है। अभी ये भाई साहब ने, जबकि उनका ये प्रॉब्लम आ चुका रहेगा, इन्होंने एक बार यहाँ पे पैच भी किया है देखिए, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम रिपीट हुआ उनको। तो ये जो तकलीफ है अभी ये गाड़ी में कंटिन्यू इनको आवाज रहेगा। करेक्ट, ये चलते टाइम आवाज करे, किच 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 कर आवाज करते रहेगा ये गाड़ी। तो एक आपको लाइव एग्जांपल आपको बताया कि क्या प्रॉब्लम आ सकता है, कितना इम्पोर्टेंट रहता है चेसी माउंटेड ब्रैकेट का। अभी हम इंजन की तरफ जाएंगे सर एक बार, और इंजन का फिटमेंट है ना वो भी एक बार दिखा देते हैं। इसमें आपको यहाँ पे स्विच जो बिठाया है ना गाड़ी को, एक बार दिखा देते हैं यहाँ पे स्विच। सर यहाँ पे कहाँ पे बिठा है इसका? ये यहाँ पे सामने ही है यहाँ पे, ये यहाँ पे स्विच देख सकते हैं यहाँ पे। हम ये बोनेट अभी ओपन करके आपको दिखाएंगे अभी फिटमेंट। इसमें सिक्वेंशियल किट बिठाया है, और ये 3 सिलेंडर इंजन है ना सर जी? ये 3 सिलेंडर इंजन है। ओके। ये एकदम हैप्पी गो लकी इंजन है। ये देखिए यहाँ पे ये गाड़ी में हम लोग ने ग्रीको का किट लगाया, जिसके ऊपर अभी जो ऑफर चालू है। Okay. ऑफर के बारे में भी मैं बता देता हूँ आपको। Okay. इस कंपनी ने, ये बहुत अच्छा रिड्यूसर है इसका। अभी देखिए हम लोग ने वाटर कनेक्शन भी कर दिए इसके अंदर। ओके। Okay. ताकि ये गाड़ी जो है मतलब हॉट गैस डिलीवर करेगा इंजन, और यहाँ से मतलब पाइप जाके यहाँ पे इंजेक्टर दिए गए अंदर है। करेक्ट। हाँ, अभी रेड रेड है वो इंजेक्टर। हाँ, रेड है अभी दिखने को थोड़ा मुश्किल। वहाँ पे ये रेल है यहाँ पे। हाँ, वहाँ पे इंजेक्टर रेल है। अभी ये गाड़ी का खासियत ऐसा है कि ये गाड़ी में पहले एल्युमिनियम मैनिफोल्ड आता था। Okay. मतलब जो मैनिफोल्ड है गाड़ी का वो एल्युमिनियम में बनता था। Okay. अब उसके बाद में जो गाड़ी आने लगी उसके अंदर आपको फाइबर का मैनिफोल्ड दिया है। Okay. तो इसका हम लोग ने पूरा मैनिफोल्ड डिसमेंडल करके उसके अंदर निपलिंग किया है। Okay. तो उसका अभी क्या इफेक्ट आता है हम लोग देखेंगे। और एक क्वेश्चन है सर, अब ये गाड़ी पुराना है ना, तो हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर प्री चेकअप करते हैं हमारे, बराबर, कि ऑपरेशन के लिए एलिजिबल है कि नहीं बंदा, बराबर। तो ये गाड़ी में ऐसा कुछ प्री चेकअप जरूरी है? ऐसा पुराना गाड़ी बेसिकली रहेगा, नया गाड़ी तो नॉर्मली कुछ दिक्कत आती नहीं है, लेकिन ये पुराना गाड़ी रहेगा। हाँ। तो क्या क्या सामने वाले ने आपके पास आने से पहले क्या क्या चेकअप करना चाहिए? जनरली सर हम लोग कैसा करते हैं,
अभी पेट्रोल इंजन के ऊपर अगर गाड़ी रहेगी ना, मतलब पेट्रोल अगर इंजन रहेगा किसी गाड़ी का जिसको किसी ने छेड़ा नहीं, तो 99% वो इंजन हेल्दी ही रहता है। ओके, अनलेस एंड अंटिल वो पहला, मतलब उसका कुछ हिस्ट्री नहीं कि वो एक बार उसका हेड गैस्केट चेंज हुआ है, ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं है, तो गाड़ी एकदम परफेक्ट ही रहेगा। और कुछ रहेगा भी तो उसके अंदर ज्यादा करके आपको स्पार्क प्लग का ड्यू रहेगा, या बंदे ने बहुत कंटाला किया है काम करने का, एयर फिल्टर का ड्यू रहेगा, ऐसा ही कुछ रहेगा। अदरवाइज मारुति की गाड़ी में ऐसा खास प्री चेक करने जैसा कुछ रहता नहीं है। और अभी ये गाड़ी में हम लोग ने देखा कि इसको, मतलब ये बहुत ही अच्छा, ये सक्सेसफुल इंजन है। इसके अंदर जब ये गाड़ी हमारे पास आई, हालांकि बहुत पुरानी है, लेकिन अभी स्कीम इतना अट्रैक्टिव चल रहा है कि वो बंदे ने इतनी पुरानी गाड़ी भी बना दी सीएनजी के ऊपर। प्राइसिंग के बारे में आपको बताएंगे यहाँ पे, प्राइसिंग के बारे में बताता हूँ। इसका क्या ये क्या है बोला, ग्रीको करके, ग्रीको ग्रीको करके किट है ये। और इसके अंदर इन्होंने फिलर वॉल जो दिया है वो अनलाइक, मतलब जो नॉर्मल कंपनी जैसा वॉल दिया है, कुछ अलग है नॉर्मल। ये जो है ना, ये OMB सॉकेट का आता है, जो OEM गाड़ियों में रहता है वो सॉकेट दिया है उन्होंने। इसका एडवांटेज ये है कि हम लोग ने काफी बार, मतलब कंप्लेंट आती थी गाड़ी में कि जो नॉर्मल वॉल रहता है जो नली वाला, तो उसके अंदर मतलब वो खराब होने का और उसके अंदर से गैस लीक होने का, तो वो मतलब उसके कंपैरिजन में ये गाड़ी एक उसके अंदर नॉर्मल ओरिंग करके कुछ रहता है, बराबर वो ओरिंग, मतलब वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, अपनी जगह छोड़ देता है। तो इसमें ओरिंग नहीं रहता, इसमें भी ओरिंग ही रहता है सर, लेकिन इसका मैकेनिज्म थोड़ा और मतलब सोफिस्टिकेटेड है। okay, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, इसका फेलियर रेट बहुत ही कम है। ठीक है, अभी गाड़ी चला के देखेंगे एक बार, आपको बताते हैं कैसे है। और इसमें ये एडवांसर भी नॉर्मल लगाया ना आपने? जी, इसमें नॉर्मल एडवांसर है। आपने इसमें कुछ चेंजेस किया है इसमें कि? इसमें मैंने अभी तक चेंजेस नहीं किया है, जो डिफॉल्ट उसका जो प्रोग्राम आता है वही रखा है। अभी हम लोग गाड़ी चला के देखेंगे, अगर कस्टमर कुछ बोलता है तो फिर अपने को चेंजेस करना पड़ेगा उसके अंदर। लेकिन जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, ये लेवल की जो गाड़ी है 2011 की, इसके अंदर आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। जो आपका जो डिफॉल्ट वायरिंग है गाड़ी का, TPS का है, क्रैंक का है, जो आपका या ब्लू वायर जो गैस किट इसमें जाता है सोलनॉइड में, और जो मेंस है वो आप जो जैसा कनेक्शन दिया है वैसे ही करो, ये गाड़ी परफेक्ट चलने वाली है। गाड़ी हम अभी चला के देखेंगे, गाड़ी का माइलेज के बारे में बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑफर है, बहुत बड़ी ऑफर है आपके लिए, ठीक है। बेसिकली पुराना गाड़ी ये के लिए भी बहुत अच्छी ऑफर है, तो ऑफर के बारे में बात करेंगे, माइलेज के बारे में बात करेंगे, गाड़ी का पिकअप कैसा मिल रहा है ना CNG पे उसके बारे में बात करेंगे। चलो अभी एक राउंड मारेंगे गाड़ी में। अभी हम गाड़ी एक राउंड मारने के लिए बाहर निकला है। अभी गाड़ी अभी CNG पे है फिलहाल, ठीक है। गाड़ी के किलोमीटर आप देख सकते हैं, 73,000 किलोमीटर को चली है। हाँ सर, एक चलाओ गाड़ी अभी फिलहाल CNG पे है ना? हाँ, CNG पे ही है गाड़ी। अभी गाड़ी पे पिकअप कैसा मिल रहा है आपको CNG पे वो दिखाएंगे एक बार। ये गाड़ी मुझे इतना पर लाखों दिलों की धड़कन है सर, ये इंडिया की मेरी भी पहली गाड़ी है ये अल्टो। अरे इसके जैसी गाड़ी नहीं सर, जो गाड़ी CNG पे 35 का एवरेज दे आपको, है और कौन सी गाड़ी चाहिए आपको? हाँ, और ये गाड़ी ऐसी है ना सर, आपको ये सेकेंड हैंड मार्केट में है ना इजीली अवेलेबल है, 1-1.5 लाख के बजट में बहुत अच्छी गाड़ी आपको मिल सकती है। और CNG डालने के बाद है ना, बाइक के खर्चे पे चलती है सर, जो बाइक का आज के डेट पे कॉस्टिंग है ना 2.5 रुपया पर किलोमीटर, 150cc गाड़ी आज के डेट पे 2.5 रुपया खर्चा है। अब 45 का एवरेज पकड़ोगे ना सर, तो 2.5-3 रुपये चले जाती है। सेम गाड़ी ये आपको 76 रुपीस ये है CNG है, तो इसका भी खर्चा ऑलमोस्ट बाइक कितना ही आएगा। आप आराम से गाड़ी AC पे चला सकते हो, 4 जन जा सकते हो। इनकेस आपके एरिया से ना कोई ऑफिस, सेम लोकेशन पे ऑफिस जाने वाला रहेगा, तो आप सब कंबाइन होके सर जा सकते हो ना। तो यहाँ पे बाइक से जाने से अच्छा है ना ये, आप AC में ट्रैवल कर सकते हो, धूल मिट्टी से बच सकते हो, धूप से बच सकते हो।
ना? गरीब लोगों की अच्छी गाड़ी है सर। हाँ इसका मतलब इसके की फीचर्स अगर मैं बताना चाहूँ तो सबसे पहली बात है कि ये 3 सिलेंडर इंजन है, बड़ा इंजन है नहीं, और इतना मतलब बेहतरीन एवरेज देता है आपको सीएनजी के ऊपर। लगभग ये 35 किलोमीटर आपको पर केजी का एवरेज देगा हाईवे पे आराम से। हाईवे पे यस यस, लोकल पे लोकल में भी आप खुश रहोगे। लोकल पे 25 के आसपास दे देंगे, मिलता है 20-22 के आसपास आराम से मिलता है। इसका सेकंड एडवांटेज है कि आप इसको सिटी कार चलाते हो यार, किधर पार्किंग एकदम छोटा सा पॉकेट है उधर में ये गाड़ी घुस जाएगी। कभी ट्रैफिक जाम लगता है तो भाई कोने कोने से आपने निकाल लिया, मैं निकल गया। और सबसे अच्छी बात इसका मेंटेनेंस बहुत बिल्कुल नहीं यार, बहुत कम है, ना के बराबर है। और कोई भी मैकेनिक है, लोकल मैकेनिक के यहाँ पे आप ये गाड़ी सर्विस कर सकते हो, पार्ट अवेलेबिलिटी की कुछ दिक्कत नहीं है। तो वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कार है मारुति की। आप इनके साथ आपका बजट कम रहेगा, आप ये गाड़ी उठा सकते हो। आप देखना कि कम चली हुई गाड़ी आपको अवेलेबल है क्या, उसमें सीएनजी डालो, आप आराम से अगले 5-10 साल आराम से गाड़ी चला सकते हो। ये गाड़ी सर इसके प्राइसिंग के बारे में बहुत सारे लोग अभी रुके हैं प्राइसिंग के बारे में जानने के लिए। जी सर, अभी इसमें मुंबई में अपने को एक MGL ने स्कीम निकाला है फिलहाल। ओके, कि 19,999 का वो लोग डिस्काउंट दे रहे हैं। कितना फिर से एक बताओ जी? 19,999 का डिस्काउंट दे रहे हैं। ऑलमोस्ट 20,000 का डिस्काउंट। यस, 20,000 का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो इसमें बात ये है कि अभी ये बंदे ने आया था मेरे पास, बोल रहा था यार कोई सेकंड हैंड किट लगा दे। okay. मैं बोला भाई साहब सेकंड हैंड किट लगाओगे फिर रजिस्ट्रेशन के लिए भागोगे दौड़ोगे फिर कान पकड़ के रजिस्ट्रेशन कराओगे, उससे अच्छा भाई एक काम करो। बोला ये आपको किट में दे देता हूँ 25,000 में। कितना? 25,000 में नया फ्रेश किट, नया टैंक आएगा, सीक्वेंशियल किट रहेगा, प्रॉपर इसका आरसी एंडोर्समेंट होगा, आरसी एंडोर्समेंट होगा इसका पूरा 100% लीगल। यस, आपका इंपोर्टेड इश्यू रहेगा, इंपोर्टेड इंजेक्टर्स रहेंगे, रिड्यूसर भी कंपनी शायद इंपोर्टेड ही दे रही है। इसका जो क्वालिटी है और जो प्राइस टैग है इसके अंदर ना भूतो ना भविष्यति ऐसा स्कीम निकला है। 25,000 में सर सीएनजी पहली बार सुन रहा, सीक्वेंशियल किट वो भी। यस, प्रॉपर सीक्वेंशियल किट। और ये ऑफर कब तक वैलिड रहेगा, कुछ आइडिया सर? ऑफर तो वैलिड है ऐसा मार्च 31st March 2023 तक। लेकिन मुझे भी कभी कभी डर लगता है, मैं जब भी गाड़ी आती है मैं फिर से एक बार पूछ लेता हूँ वेंडर को, अरे भाई साहब आज की तारीख में ऑफर चालू है क्या? okay. क्योंकि ये ऐसी बात हो गई कि अपने घर का राशन भरने जाओ और आपका बिल भरने वाला है पड़ोसी, ये हिसाब से ये स्कीम चल रहा है। लेकिन ये सच है MGL आपको 20,000 का बराबर डिस्काउंट दे रही है, और आपके लिटरली मतलब ये इसका ये किट का मार्केट प्राइस आपको 45,000 प्लस लगभग 3,000 रुपए आपको आरटीओ का खर्चा आ जाता है अपने को। okay. मतलब वो सब फीस और ये सब, तो वैसा करके आपको ये किट जाता है 48,000 तक। ओके, तो इसके अंदर 20,000 रुपए आप निकालोगे तो इसका खर्चा आएगा आपको 25,000 प्लस आपको 3,000 रुपए 28,000 को सामने वाले। yes. तो ये बहुत अच्छा ऑफर है सर जी। 28,000 आपको बताओ, 10,000 भी किलोमीटर गाड़ी पे चलाओगे ना आपके आपके पैसे है ना वसूल हो जाएंगे। ये ऑफर का आप बोले 31st मार्च तक अगले साल तक है। yes. तो ये ऑफर का आप वैलिड कभी तक ये साहब मैं बोल नहीं सकता, किसी भी दिन बंद हो सकता है। उसका रीजन मैंने जैसे आपको बोला करे। कि भाई अपने घर का राशन भरने जाओ और बिल पड़ोसी देने वाला है, तो जब तक पड़ोसी का दिल रहने वाला है तब तक ही वो बिल भरने वाला है। उसका दिल एक बार उड़ गया तो बोलेगा जा भाई तेरा तू काम करा ले। तो ये ऑफर का फायदा ले लो आप, ये साल में 3 महीने अभी भी है, 4 महीने है और अभी तक, तो ऑफर का आप ये गाड़ी के बारे में बात करेंगे। एसी प्रॉपर चल रहा है तो ऑफर बहुत अच्छा ऑफर है। 28,000 में सिक्वेंशियल किट आज के डेट में मिलना बहुत बड़ी बात है, वो भी सिक्वेंशियल किट, नॉर्मल किट नहीं है, सिक्वेंशियल प्रॉपर किट है। तो ऑफर का आप ये लेना, लुफ्त लेना, और पाटिल सीएनजी वर्क्स को आप कॉल कर सकते हो मोर डिटेल्स के लिए। और क्या बोल सकते हैं सर इसमें गाड़ी के बारे में? ये
ये गाड़ी के बारे में अभी हम लोग ने जो इंस्टॉलेशन किया है इसके अंदर की फीचर्स में हम लोग जो नॉर्मल सिक्वेंशियल किट इंस्टॉल करते जो मतलब ग्रीको कंपनी का आ रहा है वो उसमें लगाया है और इसमें एडवांसर मेरे सामने वाले दिया है। एडवांसर भी नॉर्मली देखते हैं एडवांसर के भी एडवांसर के साथ में ये ऑफर है सर। करेक्ट करेक्ट। और इसके अंदर हम लोग ने इंस्टॉलेशन के ऊपर अगर टेक्निकल बात करें तो ये गाड़ी में जो इनलेट सक्शन मैनिफोल्ड दिया है वो एल्यूमिनियम का दिया है तो इसके कारण अपने को मतलब जो जब हम लोग निपलिंग करते हैं तो एल्यूमिनियम पूरा डिसमेंडल करके ही अपने को निपलिंग करना पड़ता है और जो एक अच्छी बात है बेसिकली क्योंकि आप जब डिसमेंडल करके आप निपलिंग करोगे तो आपका जो उसका जो एंगल है जो पंचर करने का जो एंगल है या जो निपल इंस्टॉल करने का एंगल है वो आप परफेक्टली अचीव कर सकते हो। मेरे पास उसका फोटोग्राफ भी है शायद या वीडियो भी है अगर रहेगा तो मैं आप वीडियो में डाल देना तो उसका मतलब आप वो तो उसके कारण टेस्ट बहुत अच्छा आता है गाड़ी में मतलब आपने देखा रहेगा जितना छोटा गाड़ी रहेगा कभी कभी गाड़ियां जर्क मारती है तो वो इश्यू रहता है निपलिंग का कि आप जब भी निपलिंग अगर कभी कभी परपेंडिकुलर हो जाता है तो परपेंडिकुलर निपलिंग होने के कारण आपको कभी स्टार्टिंग में लैग आएगा और फिर जब से गाड़ी आगे चलेगी आप तो वैसा ये यहाँ पे नहीं हो रहा है आपको थोड़ा इंस्टॉलेशन प्रॉपर ये गाड़ी में हो चुका है तो आप इनकेस आपकी गाड़ी में सीएनजी इंस्टॉल करना चाहते हो अल्टो रहे कौन से भी गाड़ी के लिए ये ऑफर वैलिड है ना सर। जी सर अभी तक मतलब कंपनी के पास जो जो गाड़ियों के लिए अप्रूवल है वो हम लोग गाड़ियाँ ये स्कीम में फिट कर सकते हैं। तो आप ज्यादा जानकारी कर लिए है ना पाटिल सीएनजी वर्क्स को कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ये वीडियो यहाँ पे हम खत्म करेंगे और एक वीडियो में मिलेंगे जल्दी ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।